रविवार को बंजार महाविद्यालय में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जनजाति एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने शिरकत की व जिलाधीश के साथ सभी विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की शिकायतें सुनी गई और मौके पर कई शिकायतों का निपटारा किया गया। इस मौके पर डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने कहा कि सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई हैं। उन योजनाओं का लाभ सभी लोगों को मिल रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में सभी लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। जो उसका गंतव्य स्थल है दलवार तक महोदय अभी तक बस नहीं पहुंची। आप विभाग के अधिकारी इसका जवाब दीजिए। स्टेज वन की है ये, इस सर को हमने लास्ट ईयर ही बस योग्य पास करवाया है। फिर सर्दियों के कारण बर्फबारी के कारण उसमें स्विच वगैरह आए थे, पर अब घटी फर्स्ट से इससे बस जो है चल रही है। इसलिए बस चल रही है। हाँ जी, इसी गति से, क्योंकि बर्फ के कारण उसमें नहीं चली थी बस, वो क्योंकि स्विच वगैरह आए थे उसमें, अभी जो है चल रही है। तीन चार दिन से कभी बस चल रही है। सेकंड स्टेज में कहा था कि हमारा फर्स्ट स्टेज कवर हो गया। एक फर्स्ट स्टेज ही है जी, इसमें कच्ची बनी थी नवाब में, सेकंड स्टेज में अभी इसका काम नहीं हो गया। आपका प्रश्न मारे खुली है, लेकिन मेरी डिस्पेंसरी में दवाइयों का भी अभाव रहता है। दवाइयों के साथ साथ भी जो इसमें कृत्रिम गर्भाधान का प्रावधान था, कोई प्रावधान नहीं था। हमें जिला मंडी से उसके लिए वहाँ से उनके कर्मचारियों की सेवाएं लेनी पड़ती थी, जबकि पैसे दे के गाड़ी में आएगा तो देते, जिला मंडी का है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट अपने परिजन बच में स्थाई टीम को माननीय विधायक महोदय के सामने भी गुजारिश की थी कि हमें ये सुविधा अपनी पंचायत में मिलाई जाए, लेकिन हम नोटिस में आया है कि भाई फर्स्ट को जिन सीएम साहब का प्रोग्राम था वहाँ की भाई ये आई कंटेनरी भेज दिया है, कुछ दवाइयाँ भेज दी है, इसलिए भी मैं विभाग का धन्यवाद हूँ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बंजार से नवीन चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की सड़कें यानी ट्विस्ट, टर्न्स और शार्प कट्स, ऐसे में जरूरत होती है अतिरिक्त सावधानी की। इसीलिए ओवर स्पीडिंग ना करें, रॉन्ग साइड से ओवरटेक ना करें। ह्यूमन एरर ही होती है एक्सीडेंट्स की सबसे बड़ी वजह। तो अगर इन बातों का रखे ख्याल तो रहेगा सुरक्षित आपका परिवार। ओवर स्पीड एक्सीडेंट का एक मूल कारण है। पिछले एक साल में रोड एक्सीडेंट्स में 40% और मरने या घायल होने वालों की संख्या में 50% से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। इसलिए ओवर स्पीडिंग ना करें। रोड सेफ्टी सेल, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में।